हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जहलम एकेडमी आज का वीडियो मॉक टेस्ट पे है फुल मॉक है विद हंड्रेड क्वेश्चन एवरी सेक्शन इज इंक्लूडेड इन इट चैलेंज दिया है आपको एट्टी फाइव प्लस कोई नहीं लाएगा अगर आप ईमानदारी से करोगे क्या पता कोई मत करे डू कमेंट योर स्कोर एंड वन मोर थिंग इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब my चैनल लेट us स्टार्ट पहला सेक्शन है इंग्लिश का इंग्लिश के मैंने लिए है 20 MCQs. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिज लीगल डाइज इज रीमा तो आपको बोलना है इस क्वेश्चन का क्या राइट right आंसर है आप करोगे पास अपना आंसर दोगे और फिर टोटल में ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन ए ए आर क्वेश्चन नंबर टू द डैश ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड रेअरेंज द सेंटेंस आपको रेअरेंजमेंट अरेंजमेंट करना है इस सेंटेंस में यहाँ पे आपको चार सेंटेंस दिए गए आपको बोलना पहला पहले कौन आएगा फिर मतलब एक सिकेंस बनानी है आपको तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट right आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर फेज द म्यूज़िक फेज द म्यूज़िक का क्या मतलब होता है ये ई और फ्रेज से लिया है फेज द म्यूजिक का राइट आंसर है फेज द क्रिटिसिजम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव पॉज द हैट पॉज द हैट का क्या मतलब ये भी एडियम से लिया है एडियम और फ्रेज से इसका मतलब होता है टू कलेक्ट मनी क्वेश्चन नंबर सिक्स साइनोनियम से है साइनोनियम होता है सेम मीनिंग ऑस्टेरिटी का सॉइनोनियम क्या है ऑस्टेरिटी तो का साइनोनियम है क्वेश्चन नंबर सिक्स का स्ट्रिक्ट फाइंड द एंटोनियम ग्रम्पी तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट right आंसर है प्लीज एंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर आपको ये इसका क्या नरेशन का ये क्वेश्चन है इसकी नरेशन बोलनी है आपको तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट right आंसर है ऑप्शन सी ही सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर क्वेश्चन नंबर नाइन और एक क्वेश्चन इसी में लिया है सारे मतलब सारे पोर्शन में भी मैंने क्वेश्चन लिए है क्वेश्चन नंबर नाइन द हैज हैजनाउंसड टैक्सेस विल बी रेज तो इसको क्या नरेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अस मूव फॉरवर्ड द क्रिकेट बैट डैश डैश इज माइन तो आपको बोलना है कौन सी ऑप्शन आ जाएगी तो इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको इनमें से बोलना है सबसे करेक्ट कौन है तो अलेवन का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नीदर ही नॉर आई डे प्रेजेंट तो आपको बोलना है इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सी ऑप्शन आ जाएगी तो ट्वेल्व का राइट आंसर है नीदर ही नॉर आई वॉज प्रेजेंट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ऑप्शन है बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन द शिप डैश डैश सेट सेल तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोटीन देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट आई डैश एस स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर तो क्वेश्चन नंबर फोटीन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर ही वॉज फाइनड डैश डैश ड्राइविंग नेग्लीजेंटली तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ही वॉज फाइनड फॉर ड्राइविंग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फॉर आ जाएगा द मैन डैश डैश ए बीर्ड इज माई ब्रदर तो इसमें आपको बोलना है कौन सा ऑप्शन आ जाएगा तो सिक्सटीन का राइट आंसर है ऑप्शन डी द मैन विद ए बियर्ड

राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए द डॉक्टर सेज इट इज़ ए होपलेस केस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ही डाइड विदाउट ए डैश डैश ए आर तो इसमें बोलना है कौन सा आर्टिकल आ जाएगा तो अगर आप देखोगे ना इसकी साउंड वॉविल की होती है ई की साउंड हो तो उसको आ जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर डैश डैश यूनिट मीन इज़ अ मेजरमेंट तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आ जाएगा तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ये थे ट्वेंटी क्वेश्चन इंग्लिश के अब मैंने लिए हैं और ट्वेंटी क्वेश्चन जी के और रीजनिंग में इसमें मैंने जी के के कुछ क्वेश्चन लिए और रीजनिंग के मतलब मैंने लिए है ऑलमोस्ट टेन ट्वेल्व लिए हैं जी के से और सात आठ लिए हैं मैंने रीजनिंग से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जी के जूरिंग द रूल ऑफ विच डायस्टी मुस्लिम स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट का राइट ऑप्शन है दाइनास्टी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सांबा एंड उधमपुर लाई इन विच क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो आपको बोलना है जो कटवा सांबा एंड धमपुर है ये किस क्लाइमेटिक जोन में लाई करते हैं तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए सब ट्रॉपिकल जोन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल तो जम्मू के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी रियासी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ मैथड टू मेजर द नेशनल इनकम तो इनमें से कौन सा मैथड हम करते इस्तेमाल किसके लिए मेजर करने के लिए नेशनल इनकम तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन डी है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनदर टर्म फॉर द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो इसका जो राइट right ऑप्शन है ट्वेंटी फाइव का वो है नेशनल इनकम बी सेक्शन टेन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन डील इज सेक्शन टेन जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट किसके साथ डील करता है तो ट्वेंटी सिक्स का राइट right ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ द पीपल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच टू लेक्स वायर मैं बाय यूसुफ शाह चक इन हिज पोइट्री तो कौन से दो लेक्स हैं जो मैंशन किए गए हैं यूसुफ शाह चक ने इन हिज पोइट्री में तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द टॉम ऑफ नूर जहान एंड जहांगीर इज सचुरेट ऑन विच रिवर यहाँ पे होता है ऑन विच रिवर तो ट्वेंटी एट का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी रावी रवे टॉलमी असाइनड द नेम ऑफ जहलम रिवर एज तो ने जहलम को किस नाम से असाइन किया था वो है ऑप्शन बी द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ राजीव गांधीज खेल रत्न अवार्ड इज इस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद पुलटीजर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंड आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिटरेचर और जर्नलिज्म में फाइंड द मिसिंग टर्म इन सीरीज तो इसमें आपको बोलनी है मिसिंग टर्म क्या है तो आपको खुद देखना इसका क्या लॉजिक है यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ आंसर सी बोलूँगा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो थर्टी टू का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी तो आप देख लेना तो इसमें मुझे लगता है ये लॉजिक होगा ए एन माइनस ए तो ए होगा स्टार्ट वन से टू से ऐसे थ्री से आप देख ना इसका लॉजिक थर्टी थ्री थर्टी थ्री का क्या ऑप्शन है थर्टी थ्री का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी थर्टी फोर इफ इरेजर इज कॉल्ड पेंसिल एंड पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर एंड शार्पनर इज कॉल्ड बैग व्हाट विल ए चाइल्ड राइट विद एक चाइल्ड किससे राइट करता है वो करता है पेंसिल मगर पेंसिल किसको बोला गया है शार्पनर को तो थर्टी फोर का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी साउथ थर्टी सिक्स अ मैन सेड टू अ लेडी द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज़ द्रदर ऑफ़ माई वाइफ वट इज़ द लेडी टू मैन तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिस्टर ऑफ फादर इन ला थर्टी सेवन थर्टी सेवन ये सीरीज़ है आपको बोलनी है इसमें क्या आ जाएगा तो ये एक इजी सीरीज है अगर आप देखोगे वन टू एट तो इसको हम डिवाइड करेंगे वो बनेगा सिक्सटी फोर उसको हम डिवाइड टू से करेंगे वो बनेगा थर्टी टू थर्टी टू को डिवाइड बाय टू करेंगे तो वो बनेगा सिक्सटीन तो थर्टी सेवन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी एन एथलीट रन टू हंड्रेड मीटर रेस इन ट्वेंटी फोर सेकेंड्स हिज स्पीड इन तो आपको स्पीड निकालनी है स्पीड के लिए होती है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस भी दी गई है टाइम भी दिया गया है तो इसका राइट right ऑप्शन है थर्टी एट का ऑप्शन डी तो फिर इसको कन्वर्ट करना है किसमें किलोमीटर पर आवर में थर्टी नाइन इफ सी ए डी होता है बराबर किसके ट्वेल्व फैग है फोर्टी टू देन कोड फॉर डैड इज़ तो ये क्वेश्चन इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको ये जो सी ए डी है ना सी का है थ्री ए का है वन इंटू डी का है फोर तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई क्योंकि सी थर्ड पोजन में आती है ए फर्स्ट में ऐसे ही फैग एफ आता है किस पे सिक्स की सिक्स की पोशन पे ए आता है वन और जी आता है सेवन तो सिक्स वन आर सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू ऐसे ही आपको डैड की पोजन बोलनी है तो थर्टी नाइन की राइट थर्टी नाइन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी सिक्सटीन आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग में से राजू इज़ द ब्रदर ऑफ अतुल सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील अतुल इज द सन ऑफ सोनिया हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू सोनिया तो ये क्वेश्चन ईजी है आप खुद कर लेना इसका ट्रा इसकी ट्राई तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर तो अब हम चलेंगे साइंस के सेक्शन पर इसमें भी मैंने लिए है ट्वेंटी क्वेश्चनस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स तो जो रेड आंट्स होती है ना इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है फोर्टी वन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड द आई डिफेक्ट एस्टेगमेटिज्म कैन बी कॉरेक्टेड बाई यूजिंग तो आपको बोलना है ये जो एस्टेगमेटिज्म डिफेक्ट है ना तो वो किससे हम ठीक करते हैं तो हाँ हम इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल लेंसेज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस अ रेड लाइट वेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट तो इन में से आपको बोलना है कौन सा गैस रेड लाइट प्रोड्यूस करता है जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आपको पता होगा फोर्टी थ्री का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी नियॉन क्वेश्चन नंबर फोटी फोर वट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो ग्रेविटी से ये क्वेश्चन लिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो होता है अट्रैक्टिव वो होता है अट्रैक्टिव एट स्मॉल डिस्टेंस वो होता है अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस वो होता है अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस बट बट्रिपल एट स्माल डिस्टेंस आपको पता होगा जो ग्रेविटेशनल फोस होते हैं ना वो होते हैं अट्रैक्टिव एट ऑल द डिस्टेंस तो 44 का ऑप्शन सी है राइट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज तो इनमें से आपको बोला है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है तो आपने पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज तो वो जो सिलेबस में भी है तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव द नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज तो कौन सा नॉन मटेरियल इस्तेमाल होता है किसके लिए फूड को बचाने के लिए तो फोर्टी सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन और क्वेश्चन से है सिनाबार इज एन ओर तो जो ये सिनाबार है यह किसकी ओर होती है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्क्योरी इफ़ पी एच इज़ इक्वल टू फोटीन दैन इट रिप्रेजेंट अगर आपने पी एच एसिड इसमें पढ़ा होगा पी एच वैल्यूज़ अगर फोर्टीन होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है वीक एसिड होता है या वीक बेस तो जो अगर पी एच होगा ना फोर्टीन वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रोंग बेस तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोटी एट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लेटस मूव जस्ट आफ्टर फोटोसिंथिस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टार्च फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट इज ऑल्सो नोन एज तो उसको हम बोलते हैं हॉलोफाइटिक न्यूट्रिशन तो फिफ्टी का राइट आंसर है ऑप्शन ए द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोलिसिस इज तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए पायरो वन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर बोथ इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्परेशन तो इनमें से कौन सा कौन सी ये प्रोसेस है या कौन सा साइकिल है जो बोथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आती है तो फिफ्टी टू का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रब साइकिल क्वेश्चन नंबर क्लोनिंग क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ कौन सा मोड होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन अक्चुअल प्रोडक्शन तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का राइट आंसर है ऑप्शन बी एसेक्चुअल प्रोडक्शन बैड ओजोन इज फाउंड इन द आपने पढ़ा होगा गुड ओजून और बैड ओजोन के बारे में जो बैड ओजोन प्रेजेंट होती है वो होती है प्रेजेंट ऑप्शन सी में ऑफ़ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैस इनमें से इथेन नहीं है प्लांट इज ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज तो उनको हम बोलते हैं 56 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है 57 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एल बी डो इज तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट का राइट right आंसर है ऑप्शन ए क्लाउड कवर एलब एल बी डो ऑफ देख लेना ये होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेना रिफ्लैक्टिंग पावर होता है फिफ्टी नाइन इन केस ऑफ है प्लान मेरर द इमेज फॉर्मेट इज तो लाइट से क्वेश्चन लिया है प्लान मरर में इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो फिफ्टी नाइन का ऑप्शन सी है राइट right आंसर फ्यूअल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज तो आपको बोलना है जो फ्यूअल थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है ना वो कौन सा होता है तो वो होता है होते सिक्सटी का ऑप्शन डी है तो इस तरह यहाँ से हमने तीन सेक्शन तीन सेक्शन कंप्लीट किए हैं अब हम जाते हैं चौथे चौथे सेक्शन में जो है कंप्यूटर सेक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन जो कि कंप्यूटर सेक्शन का पहला क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस आई एन एस ये क्या करता है तो सिक्सटी वन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पेस्ट की ये वर्क करती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू डैज इज अ डिवाइस यूजड टू कन्वर्ट द बिट मैप इमेज ऑफ अ कैरेक्टर इन टू ऑस्की कोडस तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओ सी आर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच इज़ डैश आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू एम एस डॉस तो एम एस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट कौन सा ठीक है इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव ये ठीक है इट हैज़ अ कैरेक्टर यूजिंग यूज़र इंटरफेस ये भी ठीक है इट वॉज़ डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट ये भी ठीक है तो ऑप्शन डी है इसका राइट right आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शनज तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का राइट ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉन्ग लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर सम वायर ऑन द इंटरनेट तो उसको हम बोलते हैं टेलनेट सिक्सटी फाइव का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर बिलोंगस टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इस पर मुझे लगता है क्वेश्चन एक जरूरी आ जाएगा जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वैक्यू ट्यूब्स थे सेकंड थे ट्रांजिस्टर्स थर्ड आईसीज फोर्थ माइक्रोप्रोसेसर्स ऐसे ही आप देख लेना तो सिक्सटी सिक्स का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर बिलोंग करता है किससे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से लेट अस मूव फॉरवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश डैश मोड तो अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं ना वो किस मोड में खुद ही निकलते हैं तो so, वो सिक्सटी सेवन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी पोर्ट्रेट मोड में द बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म बाई अ कंप्यूटर आर तो कंप्यूटर कौन सी ऑपरेशन करता है इनमें से लॉजिकल भी करता है स्टोरेज भी अर्थमेटिक भी तो ऑप्शन डी है इसका राइट right आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड तो उसको हम बोलते हैं का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडेंटेशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपियर लिटल अबो द ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपियर लिटिल अबो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड तो उसको हम बोलते हैं सुपर सुपर स्क्रिप्ट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फर्स्ट सेवेंटी फर्स्ट वी कैन स्टार्ट एम एस वर्ड बाय टाइपिंग डैश डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए सेवेंटी वन का ऑप्शन ए है राइट right आंसर विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंटर सेवेंटी थ्री द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन टू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड तो उसको हम बोलते हैं सेल सेवेंटी फोर इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम बी वन थ्रू ई फाइव तो रेंज कैसे हम डिनोट करते हैं एक्सेल में तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर सेवेंटी फोर का ऑप्शन बी है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव वी शॉर्ट कट की इन ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव का राइट right आंसर है ऑप्शन बी ये आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो ये होती है यानी कि जब हम इंसर्ट करते हैं ना न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन तब ये शॉर्ट की लगती है ऑप्शन बी सेवेंटी सिक्स विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ साउंड फाइल तो इनमें से कौन सी साउंड फाइल की टाइप है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज टू सेवेंटी सेवन का राइट right ऑप्शन है ओपन ए न्यू विंडो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी तो ए की क्या फुल फॉर्म होती है सेवनटी एट का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन वर्ल्ड वाइड वेब इज बींग स्टैंडर्ड बाय तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है डब्ल्यू थ्री सी तो इसका मतलब होता है ये है ना इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोटियम कॉन्सोटियम तो इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिजाइड इन तो क्वेश्चन नंबर एटी का राइट right आंसर है ऑप्शन बी रॉ तो अब हम जाएंगे मैथमेटिक्स सेक्शन पे इस पे भी मैंने लिए हैं ट्वेंटी क्वेश्चन और सेटिस और न, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे भी मैंने इसमें पाँच छः सात क्वेश्चन लिए तो डू चेक इट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द कॉर्डीनालिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स ज़ इक्वल और लेस देन टेन तो यहाँ पे बोला गया है आपको बोलना है कार्डीनालिटी ऑफ पावर सेट क्या है मगर अगर आप देखोगे ना एक्स कहाँ से एक्स होता है ये बिलोंग है नेचुरल नंबर्स मगर कहाँ से तो नेचुरल नंबर आ जाएगा वन से कहाँ तक टेन तक तो इसमें आ जाएगा वन टू थ्री फोर डैश 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 टेन तक क्योंकि इसका वही तक ये वैल्यूज है तो हमें बोलनी है कार्डीनालिटी ऑफ पावर सेट वो होती है बराबर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट जिसके जिसको हम कैसे निकालते हैं टू रेज पावर एन तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एन का वैल्यू है कितने टेन है तो टू रेज पावर टेन वो आ जाएगा किसके बराबर वन ज़ीरो टू फोर तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटी टू इफ़ एफ इज़ इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन b के एलिमेंट्स है सेवन एट नाइन देन ए यूनियन बी इज इक्वल तो ए यूनियन बी होते सारे एलिमेंट जो ए और बी में होते हैं तो इसका राइट ऑप्शन है एटी टू का एटी टू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन एटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो एटी थ्री का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी तो so, मीडियन 84 द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन द पैरामेट्रिक टेस्ट इज तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे तो so 84 का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी मीन। तो अगर आपको बोला जाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन द पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है वो होती है मीन डैश डैश एंड डैश डैश और टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तो कौन सा इन में से टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आता है तो ऐटी फाइव का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन डी एब्सोलूट एंड रिलेटिव एटी सिक्स द यूनिटलेश मेजर ऑफ डिस्पर्शन तो एटी सिक्स का क्या राइट right आंसर है ऑप्शन सी कोपेशन ऑफ वेरिएशन होता है यूनिटलेश मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डिवेशन इज अ तो हमें बोलना है ये जो स्टैंडर्ड डिवेशन होती है ये होती है एब्सोल्यूट मेजर या रिलेटिव मेजर या बोथ या नन तो इसका एटी सेवन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए एब्सोल्यूट मेजर होती है वो एटी एट प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ फोर्टी आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स द लॉस और गेन परसेंटेज तो तो ये सीधे पता चलता है इसमें क्या है इसमें गैन है तो वो गैन कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है और मैं आंसर बता देता हूँ अगर आप चाहते हो ना एक्सप्लेनेशन मैथे मैथमेटिक्स के कोश्चन् के तो आई विल या आप मेरी जो ये है क्या बोलते हैं इसको वहाँ पे भी मैं ये सेंड करूँगा अपने सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा द जहलेम एकेडमी आप वहां पे देख लेना तो मैं उस पर भी ये करता हूँ सेंड तो क्वेश्चन नंबर एटी एट का राइट right आंसर है ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव परसेंट गेन एटी नाइन द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज फोर इज टू फाइव द प्रॉफिट परसेंट इज तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है ये तो आप देख लेना इसका राइट right आंसर मैं बता देता हूँ आप इसकी जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना प्रॉफिट परसेंट वो होता है किसके बराबर एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाय सी पी इंटू हंड्रेड तो यहाँ पे रेशो दिया गया है फोर इज टू वन तो आप ये पुट वैल्यूज कर लेना इसमें तो इसका राइट right आंसर है एटी नाइन का ऑप्शन सी ट्वेंटी फाइव परसेंट इफ़ पीयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ ए ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट देन द लाइनज़ विल बी तो दो इक्वेशन एक होता है कंसिस्टेंट और होता है इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्ट कंसिस्टेंट होंगे ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो वो होते हैं हमेशा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी अस मूव फॉरवर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के इज इक्वल टू टू कॉमा वाई इज इक्वल टू टू इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो इस इक्वेशन में आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं फिर आपको बोल है इसका क्या सोल्यूशन वैल्यू ऑफ के क्या आ जाएगा तो ये इजी क्वेश्चंस है आप ऐसे करोगे टू एक्स प्लस थ्री वाई यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट करोगे वाई का वैल्यू पुट करोगे तो वो निकलेगा किसके बराबर टेन के बराबर नाइन्टी वन का सी है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू द सम यूजिंग बोर्ड मास बोड मास से क्वेश्चन भी लिया है यहाँ पे तो को आपको पता है पहले ब्रैकेट को ऑफ करने करना होता है फिर डिवीजन तो यहाँ पे पहले डिवाइड होगा डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा फिर होगा एडिशन तो इसको ऐसे करेंगे एट प्लस फोर इंटू फाइव प्लस ये डिवाइड होगा तो ये बनेगा फोर अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा एट प्लस ट्वेंटी प्लस फोर अब सारों को ऐड करना है वो हो जाएगा थर्टी टू ट्वेंटी प्लस एट होता है ट्वेंटी एट प्लस फोर होता है थर्टी टू तो नाइन्टी टू का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइन्टी थ्री ये भी कर लेना आपको ये भी बोर्ड मास से लिया है तो हमेशा टफ क्वेश्चनज़ नहीं आते ईजी भी क्वेश्चनज़ आते हैं इसलिए सारा रिवाइज कर लेना डोंट थिंक कि ईजी ईजी क्वेश्चन टफ टफ क्वेश्चनज़ मतलब बहुत सारे मुझे बोल रहे टफ क्वेश्चनज लाओ तो मुझे लगता है फिर इजी में भी छूट जाते तो 93 थ्री का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है फाइव तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है पहले आप ये वाला सॉलो करोगे ब्रैकेट में फिर उसको डिवाइड करोगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा नाइन्टी फोर विच टर्म ऑफ ए पी यहाँ पे ये ए पी दी गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है इज़ हमें क्वेश्चन में बोला गया है ये जो सेवेंटी एट आ जाएगा ना इस टर्म में वो कौन सी टर्म है वो कौन सी टर्म है जैसे यहाँ पे बता देता हूँ फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ए, एसी सेकेंड सेक, टर्म सेक, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसी आ जाएगी सेवेंटी एट आ जाएगा तो वो कौन सी टर्म बनेगी तो इसके लिए आपके मैं बता देता हूँ फार्मूला कोई भी टर्म एंथ टर्म निकालने के लिए वो होता है बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ये क्वेश्चन प्रोग्रेशन में है जो कि सिलेबस में दिया गया है तो आप एक्सपेक्ट कर लेना एक टर्म आ जाएगी तो एनथ टर्म क्या है यहाँ पे सेवेंटी एट है वो ए है होती है फर्स्ट टर्म यहाँ पे थ्री है प्लस एन का क्या वैल्यू है हमें निकालना है वो क्या आ जाएगी एन तो कॉमन डिफरेंस होती है सेकंड माइनस फर्स्ट यहाँ पे एट माइनस थ्री वो होती है फाइव तो आप ये सॉलो करोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी नाइन्टी फोर का राइट right आंसर है ऑप्शन डी ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड तो आपको पता है टोटल क्वीनज होती है चार तो कितने में से फिफ्टी टू कार्ड्स में से वन से कटेगा फोर थर्टीन से वन बाई थर्टीन तो नाइनटी फाइव का ऑप्शन डी है राइट आंसर द द इफ पी इज़ प्रोबिलिटी ऑफ इवेंट वट इज द प्रोबिलिटी कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी प्रोबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वही होता है कॉम्प्लीमेंट नॉट इवेंट वो होती है बराबर वन तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकालनी है वो आ जाएगी वन माइनस पी तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर वट इज़ द प्रोबिलिटी ऑफ अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द दर्ल्ड यूनिवर्सिटी एंड टू आई शुड शुड कम टुगेदर तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी वन बाई फाइव नाइन्टी एट कबीर पेड आर एस नाइन्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एज एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक फाइव ईयर्स एगो एट सिक्सटीन परसेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वट वाज द अमाउंट ही टुक एज़ लोन तो आपको यहाँ पे बोलना है प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है एज ये है सिंपल इंटरेस्ट ये है रेट सिक्सटीन परसेंट तो टाइम है यहाँ पे टी तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है प्रिंसिपल इन टू रेट इन टू टाइम डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो आपको ये पी निकालना है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी नाइन्टी एट का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन बी तो नाइन्टी नाइन हम देखते हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर एस वन इज टेन टेन थार्टी थाउजेंड एट सेवन परसेंट पर एन एम इज़ आर एस फोर थ्री सेवन फोर थ्री फोर सेवन द पीरियड इज़ तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोलता है आपको टाइम निकालना है इसमें तो नाइन्टी नाइन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला इसमें लगा लेना आप तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में पावर सेट ऑफ एमपटी सेट हैज एग्जैक्टली डैश डैश सबसेट तो इसका जो राइट right आंसर है है ऑप्शन ए वन सबसेट होता है तो दीज वायर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज मॉक लिए है मैंने तो अगर आपको लगता है कहीं पे कोई मिस्टेक है डू कमेंट तो उसको मैं पिन कर दूंगा एंड वन मोर थिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू ऑल